हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ नया रिक्रूटमेंट। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले ICT आंगनबाड़ी स्टाफ एंड असिस्टेंट और कर्मी के रिक्रूटमेंट वेस्ट बंगाल के तरफ से आया है। वेस्ट बंगाल ICT आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट 2022 में होने वाला है, जहाँ पे 2000 से भी ज़्यादा पोस्ट निकल के आया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जॉब सीकर के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर ICT आंगनबाड़ी स्टाफ हैज़ बीन पब्लिश, जहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। यू कैन ईजीली अप्लाई, जहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। ऑफलाइन में फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड वेस्ट बंगाल ICTS की तरफ से जो रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जहाँ पे कोई भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर एंड आंगनबाड़ी ICTS कर्मी एंड सहायिका के लिए रिक्रूटमेंट किया गया है, जहाँ पे क्लियरली बताया है आंगनबाड़ी कर्मी एंड असिस्टेंट के ऊपर जो वैकेंसी निकल के आया है। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 8 पास एंड आंगनबाड़ी असिस्टेंट के लिए आपको जो है 10th पास होना चाहिए, जिसके बाद ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एज लिमिट जो है यहाँ पे 18 से 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑल ओवर वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के ओनली फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट ओनली। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस जो है यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं, आपको ऑफलाइन में ही फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसमें आप लोग क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वहाँ से भर सकते हो। और इसी के साथ आप लोगों को बताऊँगा, एप्लीकेशन करने के लिए आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको नहीं देना पड़ेगा। एप्लीकेशन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट मैंडेटोरी दिया गया, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एडमिट कार्ड विथ बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपको माध्यमिक के और 10th के चाहिए, 8th क्लास के मार्क्स सर्टिफिकेट, सेकेंडरी क्लास के मार्क्स सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वोटर एंड आधार कार्ड, रेशन कार्ड, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इफ़ यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट तो आप लोग उसको भी दे सकते हो। यहाँ पे आप लोग को ICTS आंगनबाड़ी के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया गया है, ओनली ऑन रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू के थ्रू आपको सिलेक्शन किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम के आपको 90 मार्क्स के जो है दिया गया है एंड 10 मार्क्स फॉर यहाँ पे इंटरव्यू में होने वाला है। एग्ज़ाम सिलेबस फॉर रिटन एग्ज़ाम, जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम एंड 150 जो है नंबर वाट के जो है यहाँ पे मादर टंग के जो है आपको ऐसे लिखना होगा। एरिथमेटिक 20 नंबर दिया जा रहा है एंड न्यूट्रिशन पब्लिक हेल्थ क्वेश्चन 15 नंबर, नंबर ऑफ 20 ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जनरल नॉलेज के लिए 20 नंबर दिया है, 10 फॉर इंटरव्यू। एप्लीकेशन डिटेल्स दिया जा रहा है, एप्लीकेशन जो है 19 मई 2022 जो है तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। 19 ब्लॉक की ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। वीडियो को मैं यहाँ पे ही ख़त्म करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।